अच्छा इसका लेक्चर नंबर क्या है? अच्छा मैंने कल जो है वो गैस लेज़र्स स्टार्ट की हुई थी और गैस लेज़र्स के अंदर जो है वो हीलियम नियॉन लेज़र का स्ट्रक्चर वर्किंग ये चीज़ें आपने पढ़ ली। अभी वही जा रही है हीलियम नियॉन लेज़र, यहाँ पर हमने देखना है इसी के अंदर एक्शन ऑफ रेजोनेंट कैविटी, क्योंकि जो एक्शन है रेजोनेंट कैविटी का फॉर प्रोड्यूसिंग पोलराइज्ड लाइट। तो जो आउट पे बीम होती है आपके पास हीलियम नियॉन लेज़र की, वो पोलराइज्ड स्टेट में होती है। पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन होती है, एक्चुअली वो डायरेक्शन होती है पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन में क्या होता है कि जितनी और प्लेन्स आ रही होती हैं वो सारी बाहर निकाल दी जाती हैं और सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर जो प्लेन्स होती हैं उनको आने दिया जाता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अब लेज़र क्या है, लेज़र एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लेज़र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन जो होती है वो डिस्क्राइब की जाती है बाय द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये जो आपके पास आउटपुट के ऊपर लेज़र आती है ये पोलराइज्ड होती है, ठीक है, इसका पोलराइजेशन उसमें होती है, इसमें बाकी प्लेन्स जो हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है रिफ्लेक्शन के अंदर, ठीक है, क्योंकि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन भी होती है। आप ये याद रखें कि आपने वेव एंड ऑसिलेशन के अंदर पोलराइजेशन को डिटेल के साथ पढ़ा हुआ, उसके अंदर आपने ये पढ़ा हुआ है कि रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ये सारे मैंने तरीके बताए थे कि जिनसे जो है वो वेव्स जो हैं वो होती है। अच्छा तो हमारे पास जो आउटपुट बीम है, द आउटपुट बीम ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र मे बी ऑब्टेन्ड, आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं इन पोलराइज्ड स्टेट। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि स्फेरिकल मिरर्स जो हैं उनको प्लेस किया जाता है कन्फोकल अरेंजमेंट में एक्सटर्नल टू द डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सटर्नल होते हैं। फॉर दिस स्फेरिकल मिरर्स आर प्लेस्ड, स्फेरिकल मिरर जो है उनको प्लेस किया जाता है इन कन्फोकल अरेंजमेंट एक्सटर्नल टू द डिस्चार्ज ट्यूब as shown in construction figure। ठीक है जी, आप अगर वो construction वाली figure देखें तो उधर हमने spherical
मिरर्स जो हैं उनको यूज़ किया हुआ है। ये वाली फिगर देखी हुई है ना, ठीक है, इसके अंदर स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं कन्फोकल इमेज में। कन्फोकल का मतलब होता है एक ही जगह पर लाकर लाइट को फोकस करना होता है, एक ही फोकस के ऊपर पूरी अरेंजमेंट जो है वो रखी हुई है, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट के साथ ये नेसेसरी है कि जो मिनिमाइज है अनवांटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द विंडोज एंड द एंड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। जो अनवांटेड रिफ्लेक्शंस हैं, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट करके उनको बाहर निकाल दे डिस्चार्ज ट्यूब में से, और सिर्फ वो वाली रिफ्लेक्शंस रह जाएँ, यानी कि वो वाली प्लेन्स बाकी रह जाएँ के जो सीक्वेंस के साथ है, एक ही प्लेन की लाइट। पोलराइज लाइट का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए जो होता है हमें ब्रिविस्टर एंगल विंडो उसको यूज़ करना पड़ता है। ये जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है इसको ब्रिविस्टर एंगल कहते हैं। ये आपने कैलकुलेट किया होगा उसके अंदर वेवलेंथ ऑसिलेशन, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल बाय यूजिंग ब्रिविस्टर एंगल विंडोज। अब ब्रिविस्टर एंगल जो होता है ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि जिसके ऊपर रे सेटिस्फाई करती है इस रिलेशन को कि टैन थीटा पी इज इक्वल टू म्यू। यहाँ पर थीटा पी जो है ये एंगल है नॉर्मल और ब्रिविस्टर विंडो के दरमियान, ठीक है। थीटा पी इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल, नॉर्मल होता है ये ऐसे है ना एंगल बन रहा होता है उसके ऊपर ये नॉर्मल खींचा होता है आप, इसको नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो ये एंगल है बिटवीन नॉर्मल एंड बिटवीन नॉर्मल टू ब्रिविस्टर विंडो, ब्रिविस्टर विंडो के दरमियान और रेजोनेटर एक्सिस। ठीक है, ये थीटा पी है। म्यू इसमें क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है जी। म्यू मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो यूज कर रहे हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब अनपोलराइज लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है प्लेट के ऊपर तो इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ टू सुपर इम्पोज प्लेन पोलराइज्ड वेव्स। हम कहते हैं कि जब प्लेट के ऊपर वो लाइट गिरती है तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत दो प्लेन पोलराइज्ड वेव्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, ठीक है। वन ऑफ विच इज़ पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, जिसमें एक प्लेन ऑफ ऑसिलेशन में पोलराइज्ड होती है एंड द अदर नॉर्मल टू द प्लेन, और दूसरी नॉर्मल टू द प्लेन यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दो डायरेक्शंस होती हैं पोलराइजेशन की, यानी कि दो पोलराइज आ रही हैं प्लेन के अंदर, एक नॉर्मल टू द प्लेन है और दूसरी ऑसिलेशन में है। अब जो वेव पोलराइज्ड है नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, ऑफ ऑसिलेशन इज कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड बाय द विंडो प्लेट। अब जो नॉर्मल है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी विंडो प्लेट्स के ऊपर। तो अब आपके पास जो वेव आ रही है एक्चुअली उसके क्या हैं, दो पार्ट्स हैं। यानी कि जब वेव इंसिडेंट होती है अनपोलराइज्ड वेव, तो अनपोलराइज्ड जो अनपोलराइज्ड वेव है इंसिडेंट ऑन प्लेट, ये जो प्लेट के ऊपर इंसिडेंट होती है
ये सुपरपोजिशन होती है, ठीक है, इज ए सुपर पोजिशन, ये सुपर पोजिशन है ऑफ टू प्लेन पोलराइज्ड वेव्स। ठीक है, अब नंबर वन के ऊपर, नंबर वन, वन ऑफ विच इज पोलराइज इन द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, वन ऑफ विच इज पोलराइज्ड, जिनमें से एक जो है वो पोलराइज्ड है इन द प्लेन, इन द प्लेन ऑफ ऑफ ऑसिलेशन, जो कि प्लेन ऑफ ऑसिलेशन में पोलराइज्ड है पहले नंबर के ऊपर, और दूसरी अदर इज नॉर्मल टू प्लेन, और दूसरी जो है वो प्लेन के नॉर्मल है। ठीक है जी, दो आ गई। तो अब जो वेव है जो नॉर्मल टू द प्लेन है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड होगी विंडो प्लेट से, द वेव पोलराइज्ड, अ वेव जो पोलराइज्ड है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि जो नॉर्मल है प्लेन ऑफ ऑसिलेशन के इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, ये मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट होती है बाय द विंडो प्लेट। विंडो प्लेट से एंड इज रिमूव्ड और ख़त्म हो जाती है फ्रॉम द मीडियम, मीडियम के अंदर से, यानी कि जो नॉर्मल आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी, सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब दूसरे नंबर के ऊपर, चौथे नंबर के ऊपर, अब जो दूसरी वेव है, वेयर एज दैट पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, वेयर एज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, अब जो पोलराइज है किसके अंदर, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन में, इज ट्रांसमिटेड इन द सेम डायरेक्शन, आगे निकल जाएगी, ठीक है, इज ट्रांसमिटेड इन द सेम डायरेक्शन, वो आगे निकल जाएगी, मिरर से बाहर निकल जाएगी एंड इज रिपीटेडली रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, और फिर रिफ्लेक्ट होगी मिरर से। बाय मिरर्स मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, आती रहेगी रिफ्लेक्ट होती रहेगी, पोलराइज होती रहेगी, आती रहेगी रिफ्लेक्ट होती रहेगी, पोलराइज होती रहेगी, और आपको आउटपुट पे मिलती रहेगी। तो लिहाजा ये जो अरेंजमेंट है इससे पोलराइज्ड बीम्स जो हैं वो हमें मिलती हैं, ये जो स्फेरिकल मिरर्स लगाते हैं और इनको कन्फोकल अरेंजमेंट के अंदर रखा जाता है, जब इनको कन्फोकल अरेंजमेंट में रखा जाता है तो इसकी मदद से हमें पोलराइज्ड वेव्स
मिलती है, यानी कि लेज़र जो हमारी आउटपुट के ऊपर आ रही होती है वो पोलराइज्ड होती है। क्योंकि आप देखें ना कि लेज़र जो होती है वो कोहरेंट होती है, जितनी पोलराइज्ड होगी उतनी ज़्यादा कोहरेंट होगी, क्योंकि रैंडम प्लेन्स जो होती हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में फैल जाती हैं। ठीक है, अब ये लाइट जो आ रही है ऑब्वियसली ये अनपोलराइज्ड है, ये जो बल्ब में से आ रही कोहरेंट भी नहीं है और अनपोलराइज्ड। अब इसकी एप्लीकेशंस देखें आप, इसकी एप्लीकेशन हीनियम न्यूट्रॉन लेज़र जो है ये प्रोड्यूस करती है एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ आउटपुट बीम, बहुत अच्छी आउटपुट बीम मिलती है, और इसकी स्पेक्ट्रल विड्थ होती है गुड क्वालिटी आउटपुट बीम विद स्पेक्ट्रल विड्थ, और इसकी स्पेक्ट्रल विड्थ होती है 1.5 गीगाहर्ट्ज। अब जो कॉमन हीलियम नियॉन लेज़र्स होती हैं वो एग्जिबिट करती हैं कोहरेंट लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, कॉमन हीलियम नियॉन लेज़र्स शोज ए कोहरेंस लेंथ ऑफ अराउंड 20 सेंटीमीटर। तो अब इस वजह से क्योंकि इसकी लॉन्ग कोहरेंस लेंथ होती है इट इज़ यूज इन होलोग्राफी, ठीक है, ड्यू टू लॉन्ग कोहरेंस लेंथ इट इज यूज्ड इन होलोग्राफी। होलोग्राफी क्या होती है? साउंड को रिकॉर्ड करना, एक बंदे के ऊपर लाइट डालकर रिफ्लेक्ट होकर जो इमेज आए उसको रिकॉर्ड कर लो तो उसका होलोग्राम बन जाए। लाइट की रिकॉर्डिंग इज नोन एज होलोग्राफी, उसको होलोग्राफी हम कहते हैं। तो जब आप कन्फिगर करते हैं सिंगल मोड ऑपरेशन तो कोहरेंट लेंथ जो है वो 300 मीटर तक आपके पास अचीव हो जाती है। ठीक है, नंबर फोर के ऊपर व्हेन कन्फिगर्ड, जब आप इसको कन्फिगर करते हैं फॉर सिंगल मोड, एक ही मोड के लिए, फॉर सिंगल मोड ऑपरेशन, एक ही मोड के ऑपरेशन के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं जब, तो इसकी कोहरेंस लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कोहरेंस लेंथ, इस केस में जो कोहरेंस लेंथ हैं ऑफ अराउंड 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तक चली जाती है, सॉरी 300 मीटर तक चली जाती है, सेंटीमीटर तो पहले हम लिखे। ठीक है, तो मोस्ट हीलियम नियॉन लेज़र जो हैं वो TM00 मोड के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती हैं। ये मोड मैंने आपको TM00 ये वाले पीछे पढ़ाए हुए हैं। हीलियम नियॉन लेज़र्स ऑपरेट इन TM00 मोड, इस मोड में ऑपरेट करती हैं एंड यील्ड एक्सीलेंट बीम क्वालिटी।
इसमें एक्ट करती हैं और एक्सीलेंट बीम क्वालिटी जो है वो आपको मिलती है। तो जो मोस्ट एंड हीलियम नियॉन लेज़र्स हैं ये रैंडमली पोलराइज होती हैं और सम हैव ब्रेविस्टर विंडोज इन मैनी केसेस गिविंग ए पोलराइज आउटपुट। भी अभी जो पीछे मैंने बनाया है ये ज़्यादातर पोलराइज होती हैं। हीलियम नियॉन लेज़र जो है ये प्रसाइज मेजरमेंट एप्लीकेशन के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन प्रिसाइज मेजरमेंट एप्लीकेशंस। इनको प्रिसाइज मेजरमेंट एप्लीकेशंस जो है उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। दैट यूटिलाइज इंटरफेरोमीटर टू मेजर टाइनी डिस्टेंस। इंटरफेरोमीटर आपने पढ़ा हुआ है, इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर क्या कहता है, वो डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, दैट यूज इंटरफेरोमीटर टू मेजर टाइनी डिस्टेंसेस, टाइनी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। अब जो हमारे पास इसके अंदर गेन मीडियम होता है और एबिलिटी टू यूनिक कैविटी कॉन्फ़िगरेशन। यूनिक कैविटी कॉन्फ़िगरेशन क्यों है कि इसमें हमने स्फेरिकल मिरर जो हैं वो लगाए होते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र जो हैं ये यूज़ होती हैं फॉर द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सच एज लेज़र जायरोस्कोप्स फॉर एयरक्राफ्ट्स। लेज़र जायरोस्कोप्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट्स के लिए आप यूज़ करते हैं, उनकी लेंथ को मेजर करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए ये उसमें भी इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास 6 पॉइंट हो गए हुए हैं, कितने हुए हैं, हाँ 7वां पॉइंट जो है इसके अंदर वो ये है कि हीलियम नियॉन लेज़र इज़ यूज्ड इन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एज लेजर जायरोस्कोप फॉर एयरक्राफ्ट्स। ठीक है जी, ये लेज़र जायरोस्कोप्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं एयरक्राफ्ट्स के लिए। फाइनली हीलियम नियॉन लेज़र्स जो हैं ये स्टैंडर्ड लेबॉरेटरी लेज़र है। आम तौर पर ये जितनी लेबॉरेटरी के अंदर रिसर्च होती है ना वो हीलियम नियॉन लेज़र से होती है। और विद यूजेस रेंजिंग फ्रॉम अलाइनमेंट ऑफ ऑप्टिक्स टू टेस्टिंग द ऑप्टिकल कंपोनेंट्स। और अगर जो जितने भी ऑप्टिकल कंपोनेंट्स आप लैब के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं उन ऑप्टिकल कंपोनेंट्स की अलाइनमेंट को चेक करने, जाहिर बात है लेज़र अलाइंट होती है किसी खास डायरेक्शन में होती है, तो उनकी अलाइनमेंट को चेक करने के लिए आप हीलियम नियॉन लेज़र जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ ए स्टैंडर्ड लैब लेज़र। ये एक स्टैंडर्ड लैब लेज़र है विद रेंजिंग, और ये रेंज कर रही होती है फ्रॉम अलाइनमेंट, जिसके अंदर अलाइनमेंट की जाती है ऑफ ऑप्टिक्स टू टेस्टिंग ऑफ ऑप्टिकल
कंपोनेंट्स। ठीक है जी, तो ये अब जो है हमारी कंप्लीट हो गई हीलियम नियॉन लेज़र। उसके बाद अब हमने स्टडी करनी है कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं अब स्टडी, गैस लेज़र जो हैं उनको कर रहे हैं। उसमें पहली मैंने जो है वो आपको पढ़ा दी है, अब कल वाले लेक्चर में फिर जो है वो हम स्टडी करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र को। फिर उसके बाद आएगी नाइट्रोजन लेज़र, ये सारी क्या हैं गैस लेज़र हैं। फिर उसमें एक और किस्म आएगी एक्समियर लेज़र की, ठीक है ये पढ़ेंगे। फिर जी उसके बाद और कौन सी रहती है लेज़र इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र, ये चार पांच रहेगी। उसके बाद फिर हम एप्लीकेशंस के वाले चैप्टर पे आ जाएंगे।